हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नवरात्रा डाइट प्लान। नवरात्रि आ गए हैं, कल से स्टार्ट है। कल फर्स्ट फास्ट होगा सब लोगों का, एंड उसमें आपको क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो वेट लॉस जर्नी उनकी स्टार्ट होती है, बट इन फास्ट के दौरान ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे बहुत कुछ खाया भी जाता है। ओके, सो इस फास्ट में भी आप लोग अपना वेट लॉस कर सकते हो। अगर आप अपना रूटीन, हेल्थीस्ट रूटीन उसको फॉलो करो, तो इसमें भी आपका वेट लॉस जो प्रोसेस है बहुत अच्छे से होगा। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि नवरात्रि में आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सो टोटली प्लान डिस्कस करूंगी, जिसको अगर आप इसी को ही फॉलो करोगे तो आपका 2 से 3 किलो नवरात्रि के इन बिटवीन ही लूज हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद आपकी जर्नी जो है नवरात्रि की, और उस फूड से आप बोरिंग भी नहीं होगे, बिकॉज मैं आपको बहुत सारी ऑप्शंस दूंगी ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, जिससे आपका वेट लॉस प्रोसेस भी स्टार्ट रहेगा और इससे आपका वेट भी गेन नहीं होगा। ऑब्वियसली नवरात्रि में बहुत कुछ खाने को मन करता है, व्रत के आटे की पूरी खाने को मन करता है, और भी बहुत सारी चिप्स खाने को मन करता है, आलू के, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और बहुत सारे लोगों का दिल करता है कि ये भी खाएं वो भी खाएं। बट हम अगर वेट लॉस जर्नी पे हैं या अपने मेंटेनेंस में भी हैं, तो हमें अपना वेट को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी हमें ऐसी चीज़ें कभी नहीं खानी चाहिए जो हमारी हेल्थ को नुकसान दे। सो आज मैं डिस्कस करूंगी प्रॉपरली प्लान, जिससे आपका वेट लॉस भी अच्छे से होगा। एक हेल्दीएस्ट प्लान है ये, स्पेशली नवरात्रि के लिए जो लोग फास्ट रख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं, आप इसमें अपना वर्कआउट भी कर सकते हो जो नॉर्मली आप कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि इससे आपको भूख लग जाएगी, तो आप वॉक प्लस योगा को कंटिन्यू रख सकते हो, या फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को आप डेली ज़रूर ज़रूर करो। ओके, एंड वन मोर थिंग इज़ पानी खूब सारा पियो, बिकॉज पानी से आपको आपकी बॉडी एक तो हाइड्रेट रहेगी, एक तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपकी स्किन भी ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। और आपके वेट लॉस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके वाटर इनटेक का। सो पानी खूब सारा पीना है आपको, 3 से 4 लीटर। अगर 4 लीटर नहीं पी जाता, तो 2.5 से 3 लीटर आप लोग ज़रूर पिए। उसमें नवरात्रि के फास्ट में आप 3 तरह के डिटॉक्स ले सकते हो। लेमन का डिटॉक्स ले सकते हो, उसको बनाने के लिए आपको 1 लीटर पानी में कुछ स्लाइसेस ऑफ लेमन के डालने हैं, और उसको 20 से 25 मिनट के लिए रख देना है, देन उसको स्ट्रेन करके आप कंज्यूम कर सकते हो। जिंजर का डिटॉक्स वाटर आप ले सकते हो, मिंट का डिटॉक्स वाटर आप ले सकते हो, कुकुम्बर अलाउड होता है उसमें व्रत में, तो आप वो भी डिटॉक्स वाटर बना के ले सकते हो। सो पानी आप किसी भी तरह कंज्यूम कर सकते हो, जो कि ईजी हो जाता है, इजिली आप लोग उसको इस वे से कंज्यूम कर सकते हो। मेक श्योर आपको फ्रिज का पानी यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल जो पानी होता है वो आपको लेना है रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, या फिर आप मटके का पानी भी यूज कर सकते हो। ओके, सो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको प्लान में लेना क्या है। सबसे पहले सुबह उठ के आप गर्म पानी ले, अगर आप बीच में कुछ हर्ब्स नहीं डालना चाहते हो तो आप सिंपल वार्म वाटर भी लोगे, तो आपको आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो सुबह उठ के आपको लेना है गर्म पानी, यू कैन एड लिटिल बिट ऑफ लाइक लेमन जूस आप लोग डाल सकते हो। अगर नहीं डालना है तो नॉर्मल गर्म पानी पे अगर आप 1 or 2 glasses लोगे तो इट्स इनफ। आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर ए वॉक, आप कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा बहुत जरूर करो, एटलीस्ट 30 to 40 minutes के लिए, बिकॉज उससे आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और आप फुल डे एक्टिव रहोगे, आप थकोगे नहीं। ओके, एंड देन उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या ऑप्शन को ले सकते हो। ब्रेकफास्ट में बहुत सारी ऑप्शन दूंगी, और ब्रेकफास्ट आप भरपेट जरूर करो। इवन तीनों मील जो है आपका डिनर सिर्फ लाइट होना चाहिए, बाकी जो के जो 2 मील्स आपके हैं आप उसको भरपेट आप कर सकते हो। बट मेक श्योर आप अपने ऑयल, घी, जो भी आप यूज कर रहे हो उसका आप बहुत ज्यादा ध्यान रखो, उसको आपको बहुत ज्यादा नहीं डालना। इवन हर मील में आप 1 and 1.5 spoon घी या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो स्वीट पोटैटो की चाट, जिसको हम शक्करकंदी बोलते हैं, आप उसको बॉइल करो, उसमें लेमन जूस, हल्का सा ब्लैक पेपर, सेंधा नमक यूज करके आप उसकी अच्छी सी चाट बना सकते हो। पीनट और मखाना को रोस्ट करके उसकी हल्का सा उसका एक सलाद बना सकते हो, जिसमें आप कुकुम्बर डाल सकते हो, पुदीने की चटनी डाल सकते हो, या फिर नींबू का रस डाल के आप उसको अच्छा सा बना सकते हो, या फिर आप बनाना का शेक ले सकते हो, बट मेक श्योर विदाउट शुगर, बिकॉज हमें अपनी, क्योंकि शुगर में कोई कैलोरीज, सिर्फ कैलोरीज ही होती हैं, उसको लेने से हमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। सो शुगर को अपनी इस डाइट से बिल्कुल हटा दो। इवन आपके लाइफस्टाइल में भी शुगर को लेना अच्छा नहीं होता, बिकॉज वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं, सिर्फ उसमें कैलोरीज ही पाई जाती है, इसके अलावा उसमें और भी कुछ भी उसको लेने के आपको फायदे नहीं है, आपकी सेहत के लिए भी आपको बहुत नुकसानदायक है।
तो आप बनाना का शेक ले सकते हो, पपाया का शेक ले सकते हो, या फिर आप चीकू का शेक है, जो भी फ्रूट्स आपकी सिटी में जो इजीली अवेलेबल है उसका शेक बना के आप ले सकते हो, ओके। एंड या फिर आप बनाना की लस्सी ले सकते हो, दही सबके घर पे इजीली अवेलेबल होता है, तो आप उनको ब्लेंड करके आप उसकी लस्सी भी बना सकते हो, बट शुगर नहीं डालने से लस्सी काफ़ी सारे लोगों से कंज्यूम नहीं होती है, तो यू कैन एड लिटिल बिट ऑफ जेगरी पाउडर या जेगरी जो भी आपके घर पर अवेलेबल है, वो एक तो सस्ता भी होता है और रिजनेबल रेट में आपको मिल जाता है और आपके हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है, बट उसको भी आप पोर्शन का कंट्रोल जरूर रखो। ये नहीं है कि क्योंकि जैगरी और शुगर में ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज होती हैं, बट जैगरी अच्छा लेना होता है शुगर की बजाय, ओके। एंड उसके बाद आप ले सकते हो साबूदाना और आलू के कबाब, आप ले सकते हो बॉयल्ड आलू और साबूदाना के कबाब, आप छोटे छोटे 3 and 4 ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप मत कंज्यूम करें, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कुछ ऐसे आलू या फिर कुछ ऐसी रेसिपी ली है जैसे कबाब ली है, तो उसके बाद आफ्टर 20 मिनट्स आप अपनी टी ले सकते हो, आप लो फैट शुगर लो फैट मिल्क या फिर आप काऊ मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हो, फिर आपको रिमेंबर कि लाइक आपको शुगर को उसमें इंक्लूड नहीं करना है, तो आप अपने ब्रेकफास्ट में इसमें से कोई भी ऑप्शन एक चूज़ कर सकते हो। अगर आप स्मूदी का मग ले स्मूदी ले रहे हो या फिर शेक बना रहे हो, तो आप 1 big mug आप ले सकते हो उसकी क्वांटिटी, ताकि आपका पेट जो है वो काफ़ी टाइम तक आपको फुलफिल फील करे, ओके। सो ब्रेकफास्ट जो है वो आपको 9:30 तक अपना फिनिश कर लेना है, तभी आपका शेड्यूल जो फुल डे का वो प्रॉपरली सेटअप हो पाता है। देन अभी बात आते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप बटर मिल्क ले सकते हो, इसको हम छाछ बोलते हैं, 4 to 5 spoon ऑफ आपको डालना है दही, थोड़ा सा पानी और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, काली मिर्ची डाल के, पुदीने का पाउडर या फ्रेश पुदीना डाल के उसको ब्लेंड कर लेना है, तो आपकी बटर मिल्क रेडी हो जाती है। या फिर आप ले सकते हो फ्रेश फ्रूट्स, कोई भी घर पे जो सीजनल फ्रूट अवेलेबल हो आप उसको ले सकते हो, अभी सर्दियों में तो बहुत सारे फ्रूट्स अभी अवेलेबल हैं, तो आप उसमें से कोई भी 1 या 2 फ्रूट्स आप उसको बना के या फिर उसको इजीली ऐसे भी ले सकते हो, या उसके चाट बना के भी आप खा सकते हो। उसके बाद यहाँ से ले सकते हो आप लेमन वाटर, नींबू पानी आप ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, ओके। तो इन 4 or 5 में से ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो। देन अभी लंच आपको 2 बजे तक करना है, स्नैकिंग का टाइम आपका रहेगा 11:30 to 12 के इन बिटवीन। अगर आप ऐसे अपनी रूटीन को फॉलो करोगे तो आपको कुछ भी हेडेक नहीं होगा, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को फास्टिंग के टाइम पे हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, बट अगर आप ऐसे टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करोगे तो कुछ भी आपको ऐसा फील नहीं होगा, और ऐसे फास्ट में तो वैसे भी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जो कि इजीली आप सबसे हो जाएंगी। सो लंच में आप प्रॉपरली अपनी रोटी ले सकते हो, जो व्रत के आटे की रोटी होती है, जैसे सिंघाड़े के आटे की रोटी, उसमें आलू को स्टफ्ड करके, या तो सिंघाड़े की रोटी आप ले सकते हो, साथ में आलू की सब्जी बना के आप ले सकते हो। रिमेंबर 1 spoon घी या ऑयल आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो उसमें से सिर्फ आपको 1 या 1.5 spoon, उससे ज़्यादा नहीं डालना है, जो नॉर्मल स्पून आता है उतना, ठीक है। सिंगारे के आटे की रोटी आलू स्टफ्ड करके या फिर पनीर स्टफ्ड करके आप ले सकते हो विद कर्ड, कर्ड आप लोगे 1 small कटोरी, कर्ड अपनी रूटीन में ज़रूर ऐड करो, नहीं तो आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। सिंगारे का आटा बहुत गर्म होता है लेना, सो या फिर आप राजगिरी का आटा यूज़ कर सकते हो, या फिर कुट्टू के आटे की रोटियां बना सकते हो। तीनों आटे जो होते हैं वो नवरात्रि के फास्ट में अलाउड होते हैं, वो सब लोग ले सकते हैं, ओके। या फिर समक के राइस, जो व्रत वाले राइस आते हैं, उनका अच्छा सा पुलाव बना के आप लोग ले सकते हो, उसमें जीरा वगैरह डाल के, साथ में आप छोटी कटोरी कर्ड की ले सकते हो, कर्ड का रायता, क्यूकुम्बर रायता भी आप ले सकते हो, या फिर आप जीरे वाले आलू बना सकते हो, उसके साथ भी आप दही ले सकते हो। पनीर राजगिरी की रोटी स्टफ्ड करके उसमें आटा गूंद के आप ले सकते हो विद कर्ड, या फिर राजगिरी की रोटी बना के कोई भी साथ में आलू की सब्जी सूखी या फिर ग्रेवी वाली आप बना के ले सकते हो, साथ में आप बटर मिल्क का एक 8 मिनट आप छाछ का एक गिलास भी ले सकते हो। मिक्स फ्रूट रायता भी ले सकते हो, कोकुम्बर और खूब सारे फ्रूट्स को मिक्स करके आप उसका एक रायता बना के भी ले सकते हो, या फिर 1 bowl ऑफ फ्रूट्स का सैलड भी आप ले सकते हो। बट लंच में अगर आप हैवी मील करोगे, बिकॉज डिनर में हम लोग ऑलवेज लाइट खाने के लिए बोलते हैं, तो आपको डिनर तक बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, आप काफ़ी हद तक फुल फील करोगे। देन इवनिंग टाइम जो होता है वो स्नैकिंग टाइम होता है, इस टाइम पे आपका बहुत कुछ खाने का बन करेगा, बट मेक श्योर आप उसको हेल्दीएस्ट वे से उसको बनाओ, ओके। इवनिंग टाइम लाइक स्नैकिंग टाइम आप ले सकते हो 4 to 4:30 के इन बिटवीन, काफ़ी सारी लेडीज चाय पीते हो तो आप चाय ले सकते हो। मेक श्योर जब भी आप वेट लॉस प्रोसेस पे होते हो या फिर मेंटेनेंस डाइट पे होते हो या किसी भी फास्टिंग पे आप आ रहे हो, तो आप चाय कैसे बनाओ, 70% आपका वाटर होना चाहिए, 30% आपका मिल्क होना चाहिए, बट जो मिल्क भी होना चाहिए वो आपका काऊ मिल्क होना चाहिए, इससे आपकी वेट लॉस जर्नी पे कुछ भी आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप एज इट इज इसको फॉलो करोगे तो इस डाइट से ही आपका 3 kilo तक वेट कम हो सकता है। आप मिल्क टी ले सकते हो इवनिंग स्नैक पे,
ग्रीन टी ले सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। ओके, ग्रीन टी लो तो वो ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। उसके साथ आप रोस्टेड मखाना या फिर रोस्टेड पीनट्स आप ले सकते हो, दोनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो वन फ्रूट ले सकते हो, या फिर आप ग्रिल्ड पनीर भी ले सकते हो, नियर अबाउट 2 or 3 pieces। ओके, देन डिनर आपको 8 बजे तक फिनिश कर लेना है। डिनर में ऑप्शन है ग्रिल्ड पनीर, 75 grams तक आप अपना पनीर को ग्रिल्ड करके आप ले सकते हो। 1 bowl ऑफ पपाया ले सकते हो, क्योंकि पपाया जो होता है आपकी बॉडी को क्लींसिंग करने में आपकी हेल्प करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। या फिर आप पम्पकिन का कद्दू का सूप बना के भी आप ले सकते हो, मखाना मिल्क भी बना के ले सकते हो, मखाना को रोस्ट करके मिल्क डाल के उसमें लिटिल बिट ऑफ जैगरी डाल के ले सकते हो, साबूदाना की खीर आप बना के ले सकते हो, मेक श्योर क्वांटिटी का उसमें ध्यान रखें, 1 medium bowl आप ले सकते हो। ओके, या फिर अरबी की चाट, अरबी जो इजिली अवेलेबल होती है उसको बॉईल करो, उसमें नींबू जीरा अजवाइन डाल के आप उसकी एक अच्छी सी चाट बना के भी ले सकते हो। अगर आपको लगे कि रात को आपको भूख लग रही है तो आप 9 to 9:30 1 small cup ऑफ मिल्क भी अपनी रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर आप 1 small cup ऑफ ग्रीन टी भी आप ज़रूर लेके सोए तो वो बहुत अच्छी बात है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। इसको एज इट इज़ फॉलो करोगे तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत कुछ खाने का मन होता है लेकिन फिर भी अगर आप उसको हेल्दी वर्जन में बनाओ तो आपको उसके बेनिफिट्स ही मिलेंगे और आपकी बॉडी को कभी कोई नुकसान नहीं होगा। सो एज इट इज उसको फॉलो करें, डिटॉक्स वाटर को कंज्यूम करते जाओ जो मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं, 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पियो, वॉक पे ज़रूर जाओ, कोई बात नहीं, बहुत कुछ है खाने में। और हम लोग जो फास्टिंग करवाते हैं ना क्लींजिंग डाइट पे, वहाँ पे तो हम लोग लाइक ऐसे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही देते हैं और इस फास्ट में तो आपके पास इतने सारी ऑप्शंस हैं। तो ये अगर आप वॉक पे नहीं जाओगे तो फिर आप अपने आपको एक्सक्यूज दे रहे हो, नथिंग एल्स। ओके, सो वॉक एंड योगा 30 या 40 मिनट्स के लिए ज़रूर करो, हैवी वर्कआउट नहीं बोल रही हूँ लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, इससे आपकी फिजिकल और मेंटल बहुत हेल्थ जो होती है वो आपकी अच्छी रहती है। ओके, सो कुछ ना कुछ आपका एक्टिविटी लेवल होना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, आप इसको एज इट इज़ फॉलो करोगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। सो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मैं आपके साथ और बहुत सारी वीडियोज़ को शेयर करती रहूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। बाय, टेक केयर।